हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू ब्रेड की पकौड़े। ब्रेड को चूर और सबसे पहले हम लोग आलू ब्रेड की पकौड़े बनाने के लिए शिमला मिर्च को ऐसे बारीक काट लेंगे। और ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये हम ब्रेड को क्रश करके हम रख रखे हैं एक साइड, तो वो मैंने पहले से करके रखा हुआ था, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और आलू, चार आलू थे मेरे पास, तो चार आलू हम ले लेंगे, उबले हुए आलू ले लेंगे। और ये देख रहे हो मिक्सी के जार में मैंने लहसुन मिर्ची को पीस के रखा हुआ था इसके ग्रेवी में डालने के लिए। तो आप देख सकते हो इसके मसाले में हम लोग लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखो, ये प्याज हमने काट लिया है बारीक, तो आपको पहले प्याज भी काट लेना है, शिमला मिर्च पतला पतला काट लेना है। और ये देख सकते हो आप लोग, हम काट रहे हैं प्याज को, और ऐसे ही आपको बारीक काटना है प्याज को। और गाइज, कल मैंने लौकी के पकौड़े का भी वीडियो डाला है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप देख सकते हो लौकी के पकौड़े। और अभी हम ब्रेड और आलू के पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही हम लोग बारीक काट लेंगे प्याज। और ये देख सकते हो हमारा प्याज कट के बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, प्याज कट चुका है, अब आलू को हम लोग ऐसे ही मैश कर लेंगे। तो गाइस, आलू हमारा हम रेडी है, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को और क्रश किए हुए ब्रेड को और शिमला मिर्च प्याज सबको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और वन बाय वन करके हम सारा मसाला इसमें डालेंगे। आप लोग देख सकते हो मैं अब सारे को मिक्स कर रही हूँ, और आपको भी ऐसे ही सारे को मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और जो प्याज लहसुन का पेस्ट था, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट था, उसको भी हम लोग ऐसे ही डाल लेंगे इसमें, आप लोग देख सकते हो। और लहसुन और मिर्ची के पेस्ट के बिना कम अच्छा लगता है, टेस्ट नहीं आता है, तो आपको मिर्ची और लहसुन का पेस्ट आपको डालना ही डालना है, ये कंपलसरी है। और इसमें 1 टेबल स्पून आपको नमक डालना है, जैसा कि मैं नमक डाल चुकी हूँ। और 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून इसमें आपको ज़ीरा पाउडर डालना है, तो आपको ज़ीरा पाउडर भी डाल दी हूँ मैं, ये देख सकते हो ये ज़ीरा है। आपके पास ज़ीरा नहीं हो तो आप पीस कर ज़ीरा को डाल सकते हो, मेरे पास पीसा हुआ ज़ीरा को मैं अलग से रखती हूँ, तो मैंने पीसा हुआ ज़ीरा को इसको इसमें डाल दिया है। और सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और ये देख सकते हो ये हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, ताकि ये एक रंग हो जाए और थोड़ा भी इधर उधर टेस्ट ना हो। और ये देख सकते हो हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम पकौड़ी बनाने की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। तो आपको 3 कप मस्टर्ड ऑयल एक पैन में चढ़ा देना है गर्म होने के लिए, और ये हार्ड गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में आपको नहीं डालना है पकौड़ी को, नहीं तो ये फूट जाएगा। और ये सारी चीज़, सारा मसालों को हम लोग डाल दिए हैं, और एक लास्ट मसाला और बच गया है जिसे हम कॉर्नफ्लोर बोलते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट रहेगा, और हमने इस कंपनी का कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है।
तो गाइज़ अब आपको इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आपको डाल देना है। ये डालने से ये जो पकौड़े हैं हमारे ये कुरकुरे रहेंगे और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये भी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पकौड़े फूट भी सकते हैं, और फूट गए तो तेल या रिफाइंड पकौड़े के अंदर चले जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये बात मैं बता दूँ, इसे हाई फ्लेम में ही आपको सेकना है, लो फ्लेम में नहीं सेकना है। अगर लो फ्लेम में आप सेकोगे तो ये फूट जाएंगे और साले सारा तेल ये पकौड़े के अंदर चली जाएगी, और फिर अगर अंदर चली गई तो आपको पता ही है ये खाने में बहुत ऑयली लगेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं बोल दी हूँ स्टार्टिंग में ही कि इसे हाई फ्लेम में ही हम सेकेंगे। और ये देख सकते हो, हमने पकौड़े को एक सर्कल की शेप में हमने कर लिया है हाथ से, और ये सर्कल के शेप में हम हाथ से ऐसे ही कर लेंगे। और ये इंस्टेंट 10 मिनट में बन जाने वाला रेसिपी है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, और इसे हम बारिश के मौसम में आराम से बना के खा सकते हैं। अगर जल्दी में कोई गेस्ट आ गए तो आप लोग देख सकते हो, हमने पकौड़ी को डाल रहे हैं हम लोग, तो आपको भी ऐसे ही डालना है। और देख सकते हो आप लोग, मेरा फ्लेम जो है गैस का वो एकदम हाई फ्लेम पे है, मैंने कम पे नहीं रखा हुआ है गैस को। तो आपको भी गाइस बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। और ये सीज रहा है अब, और ये लास्ट मैंने पकौड़ी डाल दी है। तो गाइज़ ये पकौड़ी जो है ये रेड हो चुकी है, और ये अब थोड़े देर में उतरने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो, आपको भी ऐसे ही ब्राउन कर लेना है इसे। और ये देख सकते हो आप लोग, ऐसे ही आपको भी ऐसे ही ब्राउन कर लेना है। उसके बाद ये उतारना है, बीच में आपको नहीं उतारना है, नहीं तो ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो गाइज़ आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आपके पास हमारी वीडियो पहुंच रही है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हम आगे जाके मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो ये गाइज़ हमारा पकौड़ी बनके तैयार हो चुका है, और इसे हम छलनी की मदद से ऐसे तेल को तेल से निकाल लेंगे ताकि तेल इसमें नहीं रहे और तेल सारी निकल जाए, और ऐसे ही हम प्लेट में एक एक वन बाई वन करके निकाल लेंगे सारे पकौड़ियों को। आप लोग देख सकते हो, ऐसे हमने निकाल लिया है। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। और देखिए हमारा पकौड़ी बनके तैयार है, और आप भी ट्राई कीजिए। जय श्री श्याम। आज के लिए इतना ही गाइज, बाय।